पता चल गया छोटे भाई। क्या अमजद के बंदों से फायरिंग किसने करवाई है? मुझे तो बस अपना काम करना है, बड़ा भाई ना सही छोटा भाई सही। आप दोनों का वफादार रहा हूं और हमेशा रहूंगा। अगर बड़े भाई को किसी औरत ने मारा उसका क्या पता चला है तुम्हें? उसका भी पता चल जाएगा। चौकीदार ने गाड़ी देख ली और नंबर भी नोट कर लिया है। अरे ऐसा क्लू लेकर आया हूँ कि आप मुझे 1 महीने की पेड लीव भी देंगे और थाईलैंड का टिकट भी। फजूल बातें नहीं करना मेरे साथ अभी। मैं अगर फजूल बात की ना तो गोली मार दीजिएगा। बैठो। सर इन सारी वारदातों में 2 लोग ऐसे थे जो हर वारदात पर पाए गए। मैंने खुद देखा है सर, सारी रात वाकई पर मौजूद लोगों के बयान पढ़े, सीसीटीवी फुटेज भी देखी तो मालूम हुआ सर एक मर्द और एक औरत हर वारदात पर पाए गए। खास तौर पर जब मकतूल के घर की तरफ देखा या फिर उनके ऑफिस के इर्द-गिर्द नजर दौड़ाई, यही 2 लोग थे। यकीन नहीं आ रहा सर, लैपटॉप में देख लीजिए। गुड ताहिर, अब एक और काम है। सर एक काम और सर, 1 महीने की छुट्टी तो ले लें सर। हाँ तो एक साथ ही 1 महीने की छुट्टी ले लेना। काम हो रहा है सर। अगला नंबर सगीर का है तो साये की तरह उसके पीछे लग जाओ। पर कबीर पर गोली मारने वालों को निशाना था ना, कच्चा था। इस मरतबा गोली मारेंगे सगीर को, लेकिन लगेगी मुझे सर। हाँ तो अच्छी बात है ना, एक साथ ही छुट्टी मिल जाएगी लंबी दम। चलो काम पे लगो। गुड जॉब। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब थे कल? आए नहीं सारा दिन। वो गाड़ी खराब हो गई थी। लाए? नहीं मैं साफ करता हूँ। नहीं वो मैं कर लूँगा। सारा की पप्पा को देर हो गई, यूनिवर्सिटी जाना है उनको। सुनो वो अगर हम अपनी सीटें आगे करवाएंगे तो हमारे पैसे लगेंगे क्या? मेरा नहीं ख्याल। अभी आपको 7 दिन से ज़्यादा टाइम है ना, मैं फिर भी एहतियातन मालूम कर लेता हूँ। कोई ख़ास वजह? नहीं, जब तक सारा नहीं जाएगी हम भी नहीं जाएंगे। अंकल मुझे नहीं लगता कि आपको अपने प्लान्स चेंज करने चाहिए। सारा आपसे पैसे नहीं लेगी। तो बेटा तुम किस दिन काम आओगे? जाओ उसे कन्विंस करो कि भाई उसे हम अपने मुईस की तरह समझते हैं, जो कुछ मुईस के लिए करते वो उसके लिए कर रहे हैं। वो भी आपको अपना समझती है, इसीलिए आपसे पैसे नहीं लेगी। कहती है कि वो चाहते हैं कि आपको मेक्सिको में कोई तकलीफ ना हो। अच्छा बाइक पर पकड़ाओ जरा। अंकल गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं। डेंट आया हुआ है। हद हो गई काशान, एक तो इतनी देर से आए हो और फिर आते के साथ ही इनके साथ बातों में भी लग गए। चलो मुझे जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंचाओ। आपने हद कर दी, बच्चे को ड्राइवर ही बना लिया आपने। मुझसे क्या देती? गाड़ी तो मैं भी चलाती हूँ, इसीलिए काशान को बुलवाया था आप दोनों की इस जंग अजीम से बचने के लिए। चलो काशान। हाँ अंकल आप छोड़िए, मैं वापस आगे सर्विस कर देता हूँ। अरे जाते जाते ये तो बता जाओ कि डेंट कहाँ पड़ा है? कि यहाँ धूप में खड़े हो कि अलविदाई गाना भी गाना है आपको? कल को बीमार हो गए ना तो सारा की फुप्पो नहीं आने लगी आपका इलाज करने के लिए, मुझे ही भुगतना होगा। तुम्हारी इन्हीं तानेबाजियों से बचने के लिए मैं जा रहा हूँ नफीस के घर। इसी तरह भीली कमीज पहने दे, सूख जाएगी। ये सब कचरा तो उठाते जाए वाइपर शाइपर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मूसा नाम है मेरा। आपने गाड़ी बेचने के लिए पोस्ट लगाई थी? वो मेरे हस्बैंड ने लगाई हो शायद। बुलाइए उन्हें, मैं गाड़ी देखना चाहता हूँ। वो इस वक्त घर पे नहीं, आप देख लीजिए गाड़ी। कौन आया है? गाड़ी देखने आया। गाड़ी आप चलाती हैं? गाड़ी देखने आए हो या हमारा इंटरव्यू लेने? गाड़ी अगर लेडीज़ चलाती हो तो ज़रा कंडीशन डिफरेंट होती है, मर्द थोड़े लापरवाह होते हैं। मैं अभी बाहर से देख लेता हूँ, आपके हस्बैंड आएंगे तो अंदर से देख लूँगा। आप दोनों में से गाड़ी कौन चलाता है? गाड़ी देखने आए हो या हमें ड्राइवर रखने के लिए आए हो? ये कुछ अजीब सा निशान है, किस चीज का है? देखो, चूल्हे पे मेरी हांडी जल रही है। तुमने गाड़ी देखनी तो देखो, वरना मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे। अजीब आदमी था, गाड़ी कम हमें ज्यादा देख रहा था। तुम्हारे अंकल सुनते ही नहीं, एड पोस्ट कर दिया, उल्टे सीधे लोग आ जाते हैं। कहा भी था कि मैकेनिक को बता दो, आराम से बिकवा देगा। ऑफिस की भी सफाई कर दें। जी साहब।